ओके पीपल, सो वंस अगेन हम ये जो मोटर है उसको ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से फ्रंट में से ये दो स्क्रू निकाल के और यहाँ पे भी ये दो स्क्रू ओपन करके हमने यहाँ पे मोटर को ओपन करके रख दिया है। ये नीचे वाला मोटर है, ऊपर वाला मोटर है, बस हमें याद रखना है कि कौन सा मोटर कहाँ पे कैसे रखना है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो लॉक है उसको ये एकदम शार्प जो हमारा स्क्रू ड्राइवर इसको ओपन कर लेंगे। ओके, ये हमने ओपन कर दिया इसको। इसको ओपन करने के बाद हमें इस गियर को निकालना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। ओके, हम इसको यहाँ से हमें निकालना है ये वाला टॉप, तो उसको निकालने के लिए हमें ये गियर इन सब को हमें निकालना पड़ेगा फाइनली। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालना, ये लॉक जो है, ये लॉक सभी है उसको संभाल के रखना है। ये हमने लॉक निकाल दिए, इस लॉक को निकालने से ये प्लेट निकल जाएगा। इसको सिक्वेंस में रखते जाएंगे ताकि हमें कभी भी फिट करना पड़े तो हम सिक्वेंस को फॉलो कर सके। सबसे पहले ये ओपन हो जाएगा, इसको रख देंगे, इसके साथ स्प्रिंग को रख देंगे और उसके बाद ये वाला गियर पहले निकलेगा, इसको हमने रख दिया ये वाला गियर उसके बाद, और ये गियर छोटा सा निकल के रख दिया। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये रॉड है आगे क्यों निकल गया, ये गियर है साइड में से निकल गया है। ओके, इसको भी हम निकाल के साइड में रख देंगे, जितना हमारे लिए क्लियर रहेगा तो हमको काम करने में थोड़ा उतना इजी पड़ेगा। ओके, अब हम ऊपर के इसके ढक्कन को खोलेंगे, हमको चारों दिशा में से इस तरह से इसका जो लॉक है उसको हमें ओपन करना है। बस ध्यान रखना है कि टूट न जाएगी, अगर ये टूट गया तो समझ लो कि जो यूनिट है वो काम के लायक इतना अच्छे से काम कर नहीं पाएगा। हम उसको चारों ओर से धीरे धीरे करके खोलेंगे, ध्यान रखना है कि इतना डैमेज ना हो। अगर इसके लॉक अगर टूटे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ही प्यार से चारों ओर से हम खुद ओपन करेंगे, शार्प और छोटा सा स्क्रू ड्राइवर उसका यूज करना है हमें। ओके, हमने दो साइड ओपन कर लिया है, ये तीसरी साइड में से हमको प्रेशर आ रहा है तो इसको अच्छे से ओपन करेंगे। बस ध्यान रखना ये टूटे नहीं। ओके, हमने इसको ओपन कर दिया है, अब देख सकते हैं यहाँ पे टोनर भरा पड़ा है, तो इस टोनर को हम सिंपली इसको निकाल के एक जगह पे रख देंगे टोनर तक की। देख सकते हैं बहुत सारा टोनर इसके अंदर से निकला है, इसका काम ही टोनर सप्लाई है तो ऑब्वियसली इसके अंदर से टोनर निकलेगा ही। ओके, ये जो वैकेंट जगह है इस पर हमें काम करना है। अभी भी इसके अंदर से टोनर कुछ निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको थोड़ा सा पुल करेंगे और खींच लेंगे ताकि ये पूरा निकल जाएगा। ये गियर निकल गया साथ में, इसको गियर को रख देंगे, इसको भी साइड में रखेंगे। ओके, जितना टोनर इसके अंदर से निकल सकता है इसको निकाल लीजिए लास्ट में इसके अंदर से। देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर से टोनर निकल रहा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा घुमाइए मैन्युअली, तो सब कुछ टोनर जो साइड में कहीं पर जम गया होगा वो निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमें ऑपरेशन करना है वो ये कि ये जो हमारा सेंसर है उसके ऊपर यहाँ से इसको क्लीनिंग करता है यहाँ पे ब्लेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लीनिंग का ब्लेड होता है जो अभी बिल्कुल अवेलेबल है नहीं, लगा होता है ये यहाँ पे टूट के निकल गया होगा और डेवलपिंग यूनिट में चला गया होगा नीचे, तो यहाँ पे हमें इसका ऑपरेशन करना है और मैन्युअली हमें लगाना है। ये हमारा सेंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ घिसना नहीं है, बस इसको यहाँ से बाहर निकाल के क्लीन करेंगे और यहाँ से इसको नया इसका जो क्लीनिंग ब्लेड लगा देंगे एंड दैट्स ओवर। हमने इसको इस पार्ट को इतना काट लिया है और इसको हम यहाँ पे चिपकाएंगे इस तरह से। पहले डबल टेप इससे चिपका लेंगे, ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो दो, एक साइड ये गोल रहेगा और एक साइड ये आधा कटा हुआ सेमी सर्कल रहेगा इधर, लेट मी शो यू ये, और उसके बाद इस तरह से डबल टेप का सेटिंग करना है। अब इसको डबल टेप से इसको इस तरह से चिपका लिया है मैंने और इसको थोड़ा प्रॉपरली देखेंगे। अब इसको यहाँ पे रख के देखना है कि इसका जो लेवल है, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये एज से बड़ा है तो इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा, इसको भी निकालना पड़ेगा। इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर पुल करके ऐसे खींचने से ये
निकल जाएगा ताकि ये मेजरमेंट अच्छे से ले पाए हम। अब ये जो हमने बनाया है अभी, ये थोड़ा आप देख सकते हैं मैंने सेटअप करके यहाँ पे कॉर्नर में इस तरह से स्ट्रॉन्ग बना दिया है बॉन्ड। इसको हमें यहाँ से देखना है कि ये प्रॉपरली इस कोने में फिट होना चाहिए। अगर ये ठीक से नहीं हुआ तो नीचे यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सेंसर है, ये इसमें पॉइंट करके दे, ये जो सेंसर है उसको क्लीन करना चाहिए। तो ये जो है उस सेंसर को क्लीन करेगा। ये आपके सामने सेंसर है, यहाँ पे उस सेंसर को क्लीन करने के लिए हमने थोड़ा जुगाड़ लगाया है। तो इस तरह से जुगाड़ लगा देना है। अब हम ये जो इसका मेन स्टैंड है उसको लेंगे और इसको सेटअप करना है यहाँ पे। तो इसको अंदर इस तरह से डालना पड़ेगा इसके अंदर, और ये जो साइड में से इसको सेटअप करना पड़ेगा ताकि वो उसके अंदर का जो जो स्टैंड है उसमें लग जाए। मैंने इसको लगा दिया। अब देखिए इसको घुमाने से ये जो सेंसर है वो क्लीन हो रहा है। यू कैन सी हियर, ये देखो ये पार्ट जो क्लीन कर रहा है, देखिए ये। अभी हमने इसको अंदर से प्रॉपरली फिट कर दिया है और वन बाय वन ये जो गेयर है इसको हम फिट कर रहे हैं। अगर आपको ये गेयर फिट करना नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप इस इन सब गेयर को, ये साइड वाले गेयर से ये मोटर है, तो इन सब को अगर आप निकालते हैं तो पहले से आप वीडियो बना के रखें ताकि आपको जब भी वापस डालने की ज़रूरत पड़े तो आप कन्फ्यूज ना हो। ओके गाइस, सो हमने स्लोली इसको पैकअप कर दिया है एंड